हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विदिका व्लॉग्स। विदिका व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ इवनिंग से, और मेरा ये व्लॉग्स बहुत टाइम बाद जा रहा है, और बस ऐसी थोड़ा बिजी थी बच्चों के साथ काम में, तो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, तो आज तो व्लॉग बनाना ही बनाना है। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ इवनिंग से, और इवनिंग के अभी 7 o'clock होने वाले हैं, और अभी मैं डिनर बनाऊँगी। तो आज हमने सोचा कि कुछ नॉर्मल खाना बनाया जाए, मतलब बच्चों की पसंद का। पीहू बड़ा ज़िद कर रही थी कि आइसक्रीम के लिए, तो आज मैंने सोचा कि मैं आइसक्रीम बनाती हूँ बच्चों के लिए घर पे। जैसे मैं आइसक्रीम बनाती हूँ, कुल्फ़ी बनाती हूँ, बेसिकली ये कुल्फ़ी मैं बना रही हूँ जो बच्चों के लिए। तो वो आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर में अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इसका जो स्वाद है ना वो बिल्कुल हमारे ज़माने की कुल्फ़ी वाला। अभी भी आते हैं बट उसको बहुत कम खाते हैं लोग। वही कुल्फ़ी की रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। और अगर मेरा व्लॉग मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आगे गाइस। चलिए शुरू करते हैं कुल्फी बनाना, जिसके लिए मैंने गैस पे रख दिया कढ़ाई और डाल दिए हैं 3-4 चम्मच चीनी। चीनी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आप डाल सकते हैं, अगर आप कम या ज़्यादा मीठा खाते हैं तो। उसके बाद मैंने लगा दिए 3-4 पानी के छींटे मॉइस्चर के लिए, और फिर मैं चीनी को मिक्स करती रहूँगी। और मिक्स करने के बाद ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होने के बाद जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तब हम इस फॉर्म में आ जाएगी, तब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध मैंने तो आधा किलो लिया है, आपको अगर कम या ज़्यादा बनाना है तो आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं। तो बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और ये देखिए कलर इसका बहुत बढ़िया आ गया है। तो गाइस जब तक दूध उबल रहा है हम एक घोल तैयार कर लेंगे। उसमें हमने ले लिया आधा कप पानी, और उसमें मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इन दोनों को कर देंगे मिक्स। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 जो पार्ले जी बिस्किट होते हैं ना ठेले वाला फ्लेवर देने के लिए, तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 पार्ले जी बिस्किट, और इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसको हम डाल देंगे दूध में। तो देखिए दूध भी अच्छे से उबल गया है, और ये देखिए कलर भी इसका बिल्कुल बहुत बढ़िया आया है। तो गाइस दूध उबलने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी घोल जो मैंने अभी तैयार किया था कस्टर्ड पाउडर का, और वो डालने के बाद इसको मैं करती रहूँगी अच्छे से मिक्स। और देखिए इसका जो टेक्सचर है देखिए कितना क्रीमी सा हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा देखिए क्रीमी हो गया है। बस अब जब ये स्टेज पे आ जाए तो आप गैस ऑफ़ कर दीजिए, और इसको मैं अब डीप फ्रीज कर दूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। और फ्रीज़र में रखने के बाद देखिए हमारी आइसक्रीम या कुल्फ़ी बनके हो गई है तैयार। ऐसे आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। गाइज आप चाहे तो इसको कुल्फ़ी मोड में भी बना सकते हैं, इसका स्वाद और देखने में बिल्कुल कुल्फ़ी जैसी लगती है। तो मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।